माय चैनल गाइस, आप देख रहे हैं एजेस एक्वा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ओरिजिनल ओकिको प्लैटिनम जो फ्लावर हॉर्न फूड आता है वो आप कैसे स्पॉट कर सकते हो। ये एक बहुत ही फेमस फ्लावर हॉर्न फूड है जो हॉबी में वाइडली यूज होता है, लुहान हॉबी में, पर आज इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से बहुत सारे डुप्लीकेट्स भी आने लगे मार्केट में जो फोर्ज होके आते हैं, जिसमें प्रोटीन परसेंटेज लिखा बहुत रहता है पर प्रोटीन परसेंटेज बहुत ही कम रहता है और अगर आप उसे यूज़ करोगे तो आपके फिश के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो जो फैक्टर्स आप एक ओकिको प्लैटिनम खरीदने के वक्त देखोगे वो है कि जो ये पैकेट है इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, थिक प्लास्टिक का बना हो। आप इसे देख सकते हो कि जो एक्सपायरी डेट है वो सील पर होनी चाहिए, एक एक्सपायरी डेट है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, मैं क्लियरली नहीं दिखा पा रहा हूँ पर ये EXP समथिंग लिखा रहना चाहिए। ये फॉर्मुलेटेड इन ताइवान होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फॉर्मुलेटेड इन ताइवान होना चाहिए। ये जो ग्राफिक्स है पैक के, यहाँ पे जो फ्लावर हॉर्न का ग्राफिक दिया हुआ है यहाँ पे एक तो येलोविश टिंज होना चाहिए, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है ओरिजिनल ओकिको में। आप पीछे घूमोगे तो यहाँ पे जो प्रोटीन परसेंटेज आप चेक कर सकते हो कि 60% हो या नहीं, अगर वो 60% से कम है या फिर ज़्यादा है तो वो ओरिजिनल वाला नहीं है, वो फेक ओकिको प्लैटिनम है। और जो मेन फैक्टर है वो आप देखिए नीचे कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप देख सकते हो कि टेक्निक पैट थाईलैंड का हो, टेक्निक पैट थाईलैंड का अगर नहीं होगा, अगर आप उस पर कोई और मतलब ग्राफिक्स देखते हो या फिर कुछ देखते हो तो मतलब ये ओरिजिनल नहीं है। तो यही थे फैक्टर्स, ये टिप्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और रिलेटेड कंटेंट के लिए, और आप कमेंट करके बता भी सकते हो कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर डालूँ। थैंक यू गाइस।